हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने वाली हूँ खोए की भुजिया। इसके लिए मैंने लिया है खोया, उसमें मैं डालूंगी ड्राई फ्रूट्स। आपको जो पसंद आप वो ड्राई फ्रूट डालें। मैंने इसमें चॉपर में चॉप किया हुआ है, आप चाहें तो मिक्सर या ग्राइंडर यूज़ कर सकते हैं। और इसे अच्छे से चॉप करके हम खोए में मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसमें चीनी भी डाल सकते हैं, पर खोया मीठा था तो मैंने चीनी इसमें नहीं डाली हूँ। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद हो तो आप इसमें चीनी भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैदे लिए और मैदे में मैं रिफाइंड डाल के उसे अच्छे से मिक्स करूँगी। और जब मैदा और रिफाइंड अच्छे से मिक्स हो जाए तो उसमें थोड़ी थोड़ी पानी डाल के उसकी एक अच्छी सी डो बना लेंगे। यहाँ पे हमारे आटे सन चुके हैं, तो इस बार हम हाथ मिलेंगे तो उसे रिफाइन हो और छोटे छोटे गोले बनाएंगे। अब गुजिया की साइज अपने हिसाब से छोटे बड़े कर सकते हैं। मैंने अभी मीडियम साइज की बनाई हूँ और पूरी के साइज के मैंने इसे बेल ली हूँ। और इसके अंदर हमारा जो खोया बना के रखे थे वो खोया डाल के इसको दोनों साइड से लॉक करेंगे। और मैंने एक यूट्यूब पे हैक देखा था जिसमें कांटे वाले चम्मच से भुजिया पे डिज़ाइन बनाते हैं जिससे बहुत अच्छे से लॉक होती है, तो मैंने वो वाला हैक ट्राई किया था। ये सही में वो काम कर रहता है और बहुत सही भुजिया बनती है। तो आप भी बिल्कुल ट्राई करें। और फिर मैंने दूसरा वाले मोमोज की स्टाइल में, भी मोमोज अच्छी लगती है, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं मोमोज भी गुजिया जैसे बना, तो फिर मैंने मोमोज वाली गुजिया बने जिसमें मैंने आटे पूरी में खोया भर के उसे मोमोज का शेप दे दिया। अब मैं यहाँ पे तीन टाइप की गुजिया बनाई थी, तो जो थर्ड वाला था जो नॉर्मल गुजिया बनते हैं मैंने वो वाली डिज़ाइन की बनाई थी। मोमोज़ वाली गुजिया तो बहुत अच्छी लग रही थी दिखने में। यहाँ मेरी सारी गुजिया बनके तैयार है, अब इसे फटाफट तल लेंगे। तो मैंने चले का साइकिन में रखा रिफाइंड ऑयल, और एक एक करके जब ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें अपनी गुजिया डाल देंगे, उसे उलट पलट के अच्छे से तल लेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और यहाँ पे हमारी टेस्टी टेस्ट गुजिया बन के रेडी है, तो प्लीज़ ट्राई करें। थैंक यू सो मच।